हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार। आप देख रहे हैं क्रैक एसएससी विद राज। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंग्लिश को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ जितने भी एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी इंग्लिश को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। और ये सिर्फ इंग्लिश जो है गाइस, ये एक लैंग्वेज होती है, तो ये कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम बेस्ड नहीं होती है। ठीक है, इसको हम एज अ लैंग्वेज सीखना चाहिए हमें। ठीक है, तो इसमें हम कंप्लीट देखेंगे कौन कौन सी बुक लिस्ट है, क्या क्या बुक्स हमें लेनी है, कौन कौन से सेक्शन के लिए, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करें, और इसको किस तरीके से हम जो वोकैब पार्ट है या बाकी का जो याद करने वाला जो पार्ट है उसको किस तरीके से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू हम देखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। और जब हम किसी चीज़ की दिल से कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली वो हम उसको हम अचीव ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे इंग्लिश की और देखेंगे। तो चलिए वीडियो में देखते हैं आगे क्या है। सो गाइस, यहाँ पे कुछ पैटर्न लिख रखा है मैंने, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल स्टेनो एमटीएस। ठीक है, मैंने यहाँ पे तीन एग्जाम के ही लिखा है। सीएचएसएल में गाइस 50 मार्क्स की आती है, सबको पता है, टीयर 1 में जो है इंग्लिश। सीजीएल में टीयर 1 में 50 मार्क्स की आती है, टीयर 2 में 200 मार्क्स की आती है, यानी टोटल जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है 250 नंबर की हमारी इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इंग्लिश और मैथ्स के दोनों के मार्क्स इक्वल होते हैं, 250 250 मार्क्स। तो ये सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और गाइस, इंग्लिश बहुत ईजी होती है, ये हमें लगती मुश्किल है। मैं जब तैयारी करता था मुझे भी मुश्किल लगती थी, लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं है, इसमें इजीली मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने, 3 महीने भी ढंग से कर लिया ना, जो कि मैं कराऊंगा इस चैनल पे भी, 3 महीने भी अगर आपने डेडिकेशन के साथ कर लिया तो आप इजीली इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जिनके नंबर 15 20 25 जो आ रहे हैं ना, वो 40+ ईजीली होने लगेंगे, 40 45। कुछ नहीं है इंग्लिश में, बहुत ईजी है, बस थोड़ा ग्रामर पार्ट थोड़ा देखना है, बाकी वोकैब याद करनी है और रीडिंग पर ध्यान देना है। बाकी मैं बताता हूँ आगे और क्या क्या कर सकते हैं हम इंग्लिश को सुधारने के लिए। स्टेनो में 100 मार्क्स की आती है, स्टेनो का भी एग्ज़ाम है, आई होप सबने फॉर्म भरे होंगे, जिनको भी स्टेनोग्राफर बनना है उन्होंने भरे होंगे। 100 मार्क्स की आती है, और ये जो है 50% इसका वेटेज होता है टीयर 1 में, बाकी 50 50 नंबर की जीके और रीजनिंग आती है स्टेनो में। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश का एक तरीके से कह सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में कितनी जो है इंग्लिश का वेटेज होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो एसएससी का जो सिलेबस है उसमें देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कंप्लीशन। ठीक है, जो पैराग्राफ एक तरीके से ये क्लोज टेस्ट टाइप के होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, आइडियम्स फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड मिस स्पेल। तो ये हमारा कुछ सिलेबस हो गया, और बाकी मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ भी। ठीक है, मेनली यही हमारा सिलेबस है इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, लगता ही बड़ा है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, पहले अपने दिमाग में जो जो भी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इंग्लिश मुझसे नहीं होने वाला है, वो इस चैनल पे आ गए हैं, और आज से वो ये सोचना छोड़ दें। ठीक है, बाकी मैं पढ़ाऊँगा, देखना किस तरीके से हम पढ़ते हैं, और इंग्लिश का डर ख़त्म करना है हमें। ठीक है, तो इंग्लिश बहुत आसान है, पहली बात तो ये सोचो कि बहुत ईजी है, बस मेरे को 2.5 से 3 महीने इसको डेडिकेशन के साथ इस पे काम करना है। और डेडिकेशन ऐसा नहीं सारे दिन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, नहीं, 2 से 3 घंटे डेली। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं, ये हमारा सिलेबस हो गया। अब देख लेते हैं जो इंग्लिश एग्जाम में जो आती है, ये परसेंटेज रहने देना यहाँ पे। ठीक है, इसका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हमारे मेनली 3 सेक्शन होते हैं इंग्लिश के। एक कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है, एक ग्रामर पार्ट होता है, वोकेबलरी। ये मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं इंग्लिश के, जो पूछती है, मेनली 3 पार्ट्स में बटी हुई है इंग्लिश। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आगे देखते हैं। फिर इसके बाद देखिए वोकेबलरी। देखिए गाइस, बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि भाई साहब हमें वोकैब याद नहीं होती, ग्रामर हम पढ़ लेते हैं, रीडिंग वाला हम रीडिंग न्यूज़पेपर कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वोकैब याद नहीं हो रही है, इसको कैसे करें। तो गाइस देखिए, गलती हमसे कहाँ होती है, हम लोग क्या करते हैं जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, या देते भी हैं तो हल्का फुल्का ध्यान देते हैं, है ना। कोशिश हम क्या करते हैं, कोर्सेज के पीछे भागते हैं, अरे ये सर बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, यहाँ से ले लेता हूँ मैं कोर्स, अरे यहाँ ये बुक्स बहुत अच्छी हैं, इसमें वो क्या बहुत अच्छा दे रखा है, बहुत हाई लेवल का दे रखा है, इसमें अच्छे इडियम्स फ्रेजेस मिल जाएंगे, इसमें अच्छे सिनोनिम्स मिल जाएंगे। गाइस कुछ नहीं है,
ठीक है, हमें क्या एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है, कोई कोर्सेज के पीछे इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं। हाँ तुम्हें लगता है, तुम्हें जैसा लगता है तुम अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मैं अपना सजेशन यही देना चाहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर अच्छे से करो, जितना हो सके प्रीवियस ईयर को तो खत्म कर दो अच्छे से। और देखना गाइस, प्रीवियस ईयर के अलावा कहीं से कोई वोकैब नहीं आने वाली है, एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं तो कुछ बाहर से नहीं आने वाला। आपके 40-45+ इजीली आएंगे इंग्लिश में, कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है इंग्लिश, ठीक है। तो सबसे मेन काम जो है कोर्सेज वोर्सेज पे थोड़ा कम ध्यान देना है, थोड़ा मेहनत पे ध्यान देना, वहाँ पे भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। वो भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना बहुत सारे मिल जाएंगे उसमें, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि वहाँ पे कुछ अच्छा नया मिलेगा? नया मिलने पढ़ने से फायदा क्या है यार, तो एग्जाम में आना ही नहीं है तो, ठीक है। तो नया भी पढ़ो, लेकिन हमें देखना है कि एग्जाम ओरिएंटेड कितना है, ठीक है। हम टफ टफ ईडियम फ्रेजेस पढ़ते हैं, टफ टफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जो एग्जाम में आते ही नहीं है, आते क्या है, वही पुराने इतने सारे 900-1000 के आसपास ईडियम फ्रेजेस हैं, इतने ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उन्हीं में से घुमा फिरा के पूछ लेते हैं और हम कोर्सेज के पीछे भागते हैं, ठीक है। तो कोर्सेज भी लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कोर्सेज वगैरह के लिए, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी करो आप अच्छे से करो, ठीक है। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जितना प्रीवियस ईयर आप खत्म कर सको ना, प्रीवियस ईयर पर फोकस करो, क्योंकि कोई कोर्सेज, कोई वो मतलब कोर्सेज बनाते हैं वो अपने तरीके से डिजाइन करते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर तो ऑलरेडी एग्जाम में आ रहा है ना, तो वहां से आपको पता चल जाएगा किस तरीके का एग्जाम पूछता है, वो तो सेटल है ना, वो तो हमें पता है कि एग्जाम में आता है भाई, लेकिन कोर्सेज में जो पढ़ा रहे हैं वो जरूरी भाई, जरूरी थोड़ी है कि वो एग्जाम में आए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर को हम ज्यादा तवज्जो देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें वोकेबलरी सेक्शन में क्या क्या आता है हमारा, ईडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड मिसस्पेल्ड, ठीक है। तो इनके लिए बुक्स क्या ले सकते हैं, वोकेबलरी कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं? देखो गाइज, अगर आपको वोकैब में स्टार्टिंग फेज में हो आप और अच्छी कमांड करनी है, तो ये एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं, इस बुक को पढ़ सकते हैं, बहुत जबरदस्त बुक है ये। इससे क्या होगा गाइज, आपको ना एक अंडरस्टैंडिंग होगी, इस बुक में रूट वर्ड्स के थ्रू पढ़ाया गया है। अगर आप इसमें, आपको एक रूट वर्ड दिया जाएगा, उस रूट वर्ड के जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं उस रूट वर्ड्स के थ्रू, उस सारे वर्ड्स आपको कराए गए हैं, ठीक है गाइज। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, इससे वो कैब आपकी काफ़ी अच्छी कमांड होने लगेगी, आपको बहुत सारे वर्ड याद भी हो जाएंगे, या 600-700-1000 के आसपास आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के वर्ड्स यहाँ से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ये एक अजय कुमार जी की बुक आती है एक, ठीक है, एसएससी इंग्लिश करके। इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट्स है, 166 से ये अपडेटेड है, ठीक है। तो 166 सेट्स आपको मिल जाएंगे इसमें, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, ठीक है, जितने भी जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है सारे सेट मिल जाएंगे, तो आप इनको लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बाद की चीज़ें हैं, यहाँ पे वोकैब भी दिया हुआ है, इसको भी पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर वोकैब है, ठीक है। लेकिन जो सेट्स हैं, पहले आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना, उसके बाद ही ये सेट्स लगाना, ठीक है। तो इसमें अच्छे सेट्स हैं, इसमें वोकैब भी है, ठीक है, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। एक ये आती है अरियंत की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश वाली, ये एस पी बख्शी जी की है, ठीक है। तो आप इसको भी खरीद सकते हैं, ये भी अच्छी है, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की वोकैब दे रखी है। उसके बाद जो मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा वो ये, ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम पे, प्रीवियस ईयर की बुक, ठीक है, किरण की बुक है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के सारे सॉल्व क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है, जहाँ जब से एसएससी शुरू हुआ है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, तब से लेके अपडेटेड, मतलब जो भी 2019-2020 तक के, ठीक है। यहाँ पे एक बुक मैं ये रिकमेंड करूँगा बहुत स्ट्रांगली, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको वर्ड पावर मेड इजी। अब देखिए गाइज, मैं आपको चैनल पे क्या कराने वाला हूँ, मैं चैनल पे आपको ये बुक खत्म कराऊंगा, इसके मेरे 4 सेशन पड़े हुए हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वो 4 प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वो 4 वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। और बाकी साथ ही साथ मैं वोकैब का ये वाला पार्ट आपको कंप्लीट खत्म कराऊंगा इस चैनल पे, ये जितने भी सेक्शन दिख रहे हैं वोकैबुलरी के, ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, फ्रेजेस एंड मिसस्पेल्ड, ये सारे के सारे मैं इस चैनल पे आपको दूंगा, आपकी वोकैब की सारी प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो आपको देखने में, वीडियोस बना बना के डालूंगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा वोकैबुलरी वाला पार्ट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देख चलते हैं, बाकी मैंने बता ही दिया है कि इस चैनल पर मैं ये सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ, ठीक है, और ये बुक और ये दो बुक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ग्रामर। इस ग्रामर के लिए आप इन तीनों में से कोई भी एक बुक खरीद सकते हैं,
ठीक है, कोई भी एक जो भी आपको अच्छी लगे, तीनों ही अच्छी हैं। ये वाली जो है हिंदी वाले स्टूडेंट ले सकते हैं जिनको इंग्लिश थोड़ी कम समझ आती है, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये ले सकते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी बुक है, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। जो भी आपको पसंद है ग्रामर के लिए आप ये ले लीजिए। फिर इसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, नरेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमारे किस में आते हैं, ग्रामर सेक्शन के पार्ट है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन, ये दो बहुत इजी टॉपिक है गाइस। जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं वोकैब की क्लासेस शुरू करूंगा चैनल पे, ग्रामर मैं देखूंगा कि कितना आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे तो उसके बाद मैं ग्रामर की क्लासेस और उसी के हिसाब से फिर मैं मैथ्स की क्लासेस भी इस चैनल पर शुरू करूंगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो बता देना, फिर मैं कोशिश करूंगा जल्दी करवाने की। ये एरर स्पॉटिंग इजी गाइस, सब कुछ होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है हम उस चीज़ को किस तरीके से सोच रहे हैं कि ये डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कब तक लगती है कोई चीज़? जब तक हमें नहीं आती, जब हमें आने लगती है तो वो ईजी लगती है, ठीक है। तो सारी ही ईजी है, एक बार बस ग्रामर थोड़ी समझ आ जाए, हमें ग्रामर समझ में आने लगे कि कौन सा रूल कैसे लगता है, क्या चीज़ें कहाँ पे लगती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे तो बिल्कुल। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा क्लासेस लाने की, ऑन बोर्ड हम पढ़ेंगे। और गाइज आपको हर एक बुक का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक दे दूंगा मैं सभी बुक्स का, आप वहाँ से जाके इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। हर एक बुक का लिंक मिल जाएगा। मेरी जो प्रीवियस वीडियो है डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे भी उसका मैं लिंक डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है गाइज। तो आप उनको भी देख सकते हैं जाके। और ये बाकी बुक्स अगर आपको परचेज करनी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इन बुक्स को भी जाके डाउनलोड कर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन। गाइज इसको ना हम सब लोग हल्के में ले जाते हैं कि यार कॉम्प्रिहेंशन है क्या, मतलब रीडिंग ही तो करनी है या मतलब भरना ही तो होगा चार ऑप्शन में। गाइज ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है, ये हमारा इंग्लिश का बहुत नंबर बढ़ा सकता है ये पार्ट। बहुत ईजी सेक्शन है, सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ तीनों में से सबसे ज़्यादा ईजी सेक्शन यही है। ओके, अब आपको याद करनी पड़ती है, ग्रामर आपको समझनी पड़ेगी, उसके रूल्स याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं, आपको बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो इंग्लिश की, ठीक है। इसमें ये वाले पार्ट जो होते हैं ये आते हैं एग्जाम में, जैसे क्लोज टेस्ट पूछ लेंगे, पैरा जम्बल्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, पैराग्राफ कंप्लीशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे सेक्शन होते हैं, ये सारे क्वेश्चन इस टाइप इस बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो अब इस पार्ट को कैसे हम सुधारें, किस तरीके से इस पार्ट पर काम करें, तो गाइज यहाँ पे देखिए, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं इंग्लिश का, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है आपको। मेन चीज़ क्या है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है। आपको इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको सुधारना है। और यही चीज़ मैंने जो इससे पहली वीडियो, पिछली वीडियो जो बनाई थी एसए के लिए, Tier 2 या जो CGL के स्टूडेंट्स होते हैं उसमें जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसके लिए, किस तरीके से हम उसके लिए कमांड करें लैंग्वेज पे, तो उनके लिए भी यही चीज़ रिकमेंड की थी। आप किसी मेन चीज़ क्या है, आपको इंग्लिश की समझ हो, कहने का मतलब ये। तो उसके लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, या फिर आप कोई नोवेल पढ़ सकते हैं, किसी की बायोग्राफी अच्छी सी पढ़ सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम जी की बहुत फेमस बुक है विंग्स ऑफ फायर, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। या कोई और बायोग्राफी हो किसी की, तो वो सारी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ क्या, आपको अच्छी बुक पढ़नी है पहली बात। ये कोई नहीं कोई नोवेल पढ़ रहा है फालतू के, फालतू का दिमाग इधर उधर चल रहा है, तो ऐसा वो भी नहीं पढ़ना है। मतलब अच्छी चीज़ें पढ़नी है जिससे हमारा दिमाग पे भी अच्छा इफेक्ट पड़े और हमें सीखने को भी मिले, हमारी रीडिंग अच्छी हो, हमें लैंग्वेज की नॉलेज भी हो, हमें लैंग्वेज समझ में आए, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। और बाकी दिमाग पे कोई गलत इफेक्ट ना पड़े कि फालतू का नोवेल पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फिर दिमाग हमारा अलग तरीके से चल रहा है, तो उन सब नॉवेल्स को नहीं पढ़ना है। मतलब अच्छे नॉवेल्स, अच्छी बुक्स, बायोग्राफी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब ये सब पढ़ने के बाद फिर क्या करना है, इस बुक को जो ये हमारी जो प्रीवियस ईयर की है, मैं इसको तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बुक तो हमारी तीनों सेक्शन में चलेगी, ग्रामर के लिए भी मैं यही बुक पढ़ाऊंगा आपको। गाइज मैं आपको मेरा मैं ना प्रीवियस ईयर पर बहुत बिलीव करता हूँ। प्रीवियस ईयर आपने अच्छे से ख़त्म कर लिया तो मान के चलो आपकी इंग्लिश में 40-45+ कोई नहीं रोक सकता नंबर आपके, ठीक है। तो मैं तो प्रीवियस ईयर आपको इस चैनल पे कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, आपको ये पढ़ने के बाद आपको यहाँ से ये क्वेश्चंस लगाने, ये सारे क्लोज टेस्ट लगाने हैं, पैरा जंबल, ये सारे क्वेश्चन डेली एक
दो, ये एक एक दो दो, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन काउंट कर लेना कि मुझे, अभी थोड़ी तैयारी करो, ठीक है, अभी 1-1.5 महीने पढ़ो अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चंस लगाना शुरू करना, ठीक है। और इनके लिए रीडिंग करते जाओ और ये क्वेश्चंस लगाते जाओ, देखते जाओ किस 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 तरीके की, किसी कहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल ले लीजिए। अगर आप खरीद नहीं सकते तो इसको प्ले स्टोर पर डाल दीजिए, वहाँ पे ऐप आ जाएगा, ठीक है गाइस। जरूरी नहीं है कि आप किताबों से ही पढ़ें, ठीक है। किताबों से जरूरी नहीं होता कि मेरे पास बुक्स नहीं है, बहाने बना रहे हैं कि या किताब नहीं है मेरे पास, नहीं, आपको सोर्सेज मिल जाएंगे, आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड, मैंने जो जो भी पढ़ी है इंग्लिश प्ले स्टोर से, मैंने मैथ्स भी प्ले स्टोर से ही पढ़ी है, प्ले स्टोर से मतलब ऐप डाउनलोड करके, ठीक है। तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स वुक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, सोर्सेज आपको मिल ही जाएंगे इजीली, आप तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट हो गया, हमने तीनों सेक्शन देख लिए हैं, ठीक है। अब गाइज मैं क्या कर सकता हूँ आपको, मैं क्या हेल्प दे सकता हूँ, ये तो मैंने स्ट्रेटेजी बता दिया क्या हमें पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक लेनी चाहिए, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, तो गाइज मैं ये जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें अपने चैनल पर कराऊंगा, ठीक है। मैं इसके लिए आपको PDF भी दूंगा, जिन जिन चीज़ के मैं नोट्स बना रहा हूँ, मेरे पास नोट्स हैं या मैं बनाता हूँ, जो भी मैं पढ़ता हूँ वो नोट्स आपको दूंगा, और आपको रेगुलर वीडियोस मिलने वाली हैं, ठीक है। अभी क्या है, मैं सिर्फ वोकेबलरी की, सिनोनिम्स की वीडियो लेके आने वाला हूँ, कल से या परसों से शुरू हो जाएंगी वो वीडियोस, ठीक है। मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिलता वीडियो रिकॉर्ड करने का, बाकी कंटेंट मैंने रेडी कर लिया है, ठीक है। वो इनकी सारी की सारी चीज़ें आपको इनकी जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन है, और हाँ करंट अफेयर्स के लिए, कुछ दोस्तों के करंट अफेयर्स में वीडियो तो नहीं ला पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, नहीं टाइम मिलता है मुझे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं डेली लिंक डालता हूँ अपने चैनल पे, आप वहाँ से जाके करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, वेबसाइट या मैंने ब्लॉग क्रिएट कर रखा है, आप उस ब्लॉग पे जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है आपको, मेन चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा जितना मैं पढ़ा सकूँ, जितनी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकूँ वो मैं प्रोवाइड करूँ, ठीक है। मेन फोकस अपना ये रहना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है, एंड ऑफ द डे हमें सिलेक्शन चाहिए, अब चाहे उसके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है यार सिलेक्शन लेना, ठीक है, इजीली ले सकते हैं, बस मेन चीज़ है मेहनत चाहिए, एक डेडिकेशन और एक सोच चाहिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को, मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल जाके, ठीक है। ये सारी PDFs मैं वहीं पे अपलोड करूँगा, जो भी नोट्स होंगे वो सारे वहीं पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इसको शेयर जरूर करना, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी की सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है किस तरीके से पढ़ें, तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करना, उन कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। कुछ मेरे को कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है, कोई आगे का कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल मेरे को यहाँ पर शेयर कीजिए, ये मेरा चैनल है, बिल्कुल दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त कंटेंट लेके आने वाला हूँ, मैंने तैयार कर लिया, और बाकी जो मैंने डिस्क्रिप्टिव के लिए जो वीडियो बनाई थी वो डिस्क्रिप्टिव वाला कंटेंट भी तैयार हो चुका है, वो भी मैं जल्दी तैयार वीडियो बना के आपको देने लग जाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाओ, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर जुड़ जाओ, या किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, परेशान है, या उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है, या कोई और दूसरी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, बिल्कुल ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फॉलो करो ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैसेज ज़रूर कर देना, मैं कोशिश करूँगा प्रॉब्लम सॉल्व करने की, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।